जय श्री कृष्ण भक्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जिसे अपनी भक्ति देता हूँ या जिस पर अपनी कृपा करता हूँ, उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसको दुखाकुल चित्त की परवाह न करके उसे छोड़ देते हैं। फिर वह धन के लिए उद्योग करने लगता है, तब मैं उसका प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन कमाने से उनका मन विरक्त हो जाता है, उसे दुख समझकर वह उधर से अपना मुंह फेर लेता है। उसको पग पग पर कष्ट और दुख का अनुभव कराता हूँ, उसके निजी जनों का मरण करा देता हूँ। अंत में जब भक्त को दुख मिलता है तो वह मुझे ही पुकारने लगता है और उसकी हर प्रार्थना मुझसे ही होने लगती है। यही प्रार्थना भक्त को मेरे समीप ले आती है, तब मैं उस पर अपनी अहोत कृपा की वर्षा कर देता हूँ। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है, इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अन्यत्र देवताओं की आराधना करते हैं।